उज्जैन पुलिस ने अपने ही विभाग की महिला आरक्षक को, जो कि वर्तमान में रतलाम जिले में पदस्थ है, उनके द्वारा सब इंस्पेक्टर GS मंडोत पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत IG और SP को की थी। अधिकारियों ने मामला जांच में लेने के बाद चिमनगंज थाने में दुष्कर्म और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अब सब इंस्पेक्टर GS मंडोत की पत्नी अपनी बेटी के साथ अजाक थाने पहुंची और महिला आरक्षक पर आरोप लगाते हुए शिकायत के आवेदन पुलिस अधीक्षक के नाम दिया है। साथ ही मीडिया से बातचीत करके सब इंस्पेक्टर की पत्नी सुमन मंडोत ने बताया कि महिला आरक्षक ने उनके पति की झूठी रिपोर्ट दर्ज की है और महिला आरक्षक, जो कि खुद पुलिस विभाग में है, मेरे पति के साथ 4 से 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जो कि खुद अपनी मर्जी से रह रही है। उसके बाद भी उनके द्वारा मेरे पति को फंसाने को लेकर झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है। साथ ही मेरे पति से 3 लाख का सोना चांदी की रकम और नगद रुपये भी महिला आरक्षक द्वारा रतलाम शादी करने के बाद लिए गए। मेरे पति ने जब उनसे जेवर और नकदी मांगी तो उसने यह आरोप लगा दिया है, जो कि पूरी तरीके से झूठा है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। जी बताएं, किस विषय को लेकर आज आप यहाँ पे आवेदन देने को? जो वो मेगा राणा है ना, वो मेरे पति और वो दोनों एक ही स्टाफ में सर्विस करते थे और वो जब सर्विस नहीं लगी थी, वो उसके पहले से ही वो मेरे पति के साथ में रहना चालू हो गई थी। जब उसकी नौकरी लगी पुलिस में तो मेरे पति ने ही हेल्प करी थी उसकी, सारी पैसे वैसे सब खर्चा पानी का मेरे पति ही घर चलाते थे उनका सारी। और जब उसकी शादी हुई तो उसने 3.5 लाख का जेवर बनवा के ले गई और 2 लाख नकदी ले गई। और उसके पापा को मैंने जब लगाया फोन कि आपकी लड़की को मेरे घर से पीछा छुड़ा, तो गाली गुप्ता करने लग गया। अब उसकी शादी हो गई तो वो ब्लैकमेल का आरोप लगा रहे मेरे पति के ऊपर। उसके पापा और उसके भैया और उसकी बहन और वो चारों मिलके मेरे पति के ऊपर आरोप लगा रहे बलात्कार का गलत, जबकि वो उसकी राजी मर्जी से ही रह रही थी वो 4-5 साल से। मेगा राणा के खिलाफ, क्योंकि मेरे पति की उसने झूठी कार्रवाई करी। आपका नाम और पति का नाम? मेरा सुमन मंडोर और मेरे पति का नाम गोकुल सिंह मंडोर। सर बताइए, उज्जैन गांव का क्या मामला? आज एक हमारे यहाँ थाने पे आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें जो है आवेदक लाखन पिता कैलाश चंद, ये उज्जैनिया के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने आवेदन में बताया है कि आज मैं सवेरे 7 बजे अपना मोटरसाइकिल से सहायक खेड़ी से उज्जैनिया तरफ जो है आ रहा था, तो एक 4 पहिया वाहन में वहाँ पे कोई रेवन सिंह के मकान के सामने बबलू सिंह राजपूत ने अपने 4 पहिया गाड़ी से जो है मेरे मोटरसाइकिल को जो है कट मारा, जिससे मैं गिरते गिरते बचा। मैंने इस बाबत उससे जब बोला कि भाई तुमने क्यों मेरे को कट मारा, तो उसके बाद बबलू सिंह ने फ़ोन लगाया तो 3-4 और उसने गाँव के लोग अपने बुला लिए और उसके बाद मेरे साथ वहाँ पे उन्होंने जो है मारपीट की। इस संबंध में मेरे द्वारा जो है थाना घटिया में जाकर वहाँ पे रिपोर्ट की थाना प्रभारी को, और वहाँ पे उन्होंने जो है मेरे उस पर कार्रवाई न करते हुए मैं जब वहाँ थाने पे था तो गांव के लोगों ने मुझे वहाँ डराया धमकाया, इसलिए मैंने यहाँ थाने अजाक में आके अपनी जो है रिपोर्ट की है आवेदन के माध्यम से। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है वैधानिक कार्रवाई हो। इस पर आवेदन जो हमको प्राप्त हुआ है इसको जांचे तो हमने जो है थाना प्रभारी अजाक को दिया है, जैसे भी इसमें शुरू होगी वैसे कार्रवाई की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।